दोस्तों, अगर आप भी फैंटसी क्रिकेट में पैसे कमाना चाहते हैं, ड्रीम इलेवन में जीएल विन करना चाहते हैं, रैंक बढ़ाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपको लास्ट तक देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो जानकारी मैं आपको आज देने वाला हूँ जीएल से रिलेटेड, इस प्रकार की जानकारी आपने इससे पहले कभी नहीं पाई होगी। अगर आप लोग भी ड्रीम इलेवन में विनिंग करना चाहते हैं, या तो साफ तौर पर बोले तो आप लोग भी रैंक वन लाना चाहते हैं, तो इस स्ट्रेटजी को आपको फॉलो करके चलना पड़ेगा। पहली बात तो मैं क्लियर कर दूं, ड्रीम इलेवन लक का नहीं, जो लोग सोचते हैं लक का गेम है, किस्मत के ऊपर डिपेंड करता है, भाई ये लक का नहीं, पूरा एनालिसिस पर, पूरा एल्गोरिदम पे बेस्ड है, प्रॉपर यहाँ पे दोस्तों साइंस का गेम है ये, पूरे डेवलपर्स की टीम बैठी हुई है। जैसे ही आप लोग यहाँ पे इस चीज़ को अपने ट्रिक से फॉलोअप करते हो तो आप लोग विनिंग कर जाते हो। कई बार आपने देखा होगा कोई लोग 2 से 2.5-3 साल से ड्रीम इलेवन खेल रहे हैं, एक भी बार जीएल नहीं विन कर पाए हैं, लेकिन उसी के बाद कई लोग ड्रीम इलेवन में 2 से 3 महीने में ही, दोस्तों सिर्फ 2 से 3 मंथ में जीएल विन कर लेते हैं और 1 करोड़ वाला प्राइस विन कर लेते हैं। कैसे करते हैं उसी के बारे में आज की वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि जो स्ट्रेटजी जो ट्रिक उनके पास है वो आप क्यों नहीं फॉलो कर सकते हैं, तो इस चीज़ को आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो यहां पर 2 से 3 चीज़ें हैं। पहली बात तो ध्यान देने वाली, जब भी हम अपने प्लेयर का सिलेक्शन करते हैं अपनी पिच में, जैसे ये जब भी हम अपने प्लेयर का सिलेक्शन करते हैं, चाहे वो हमारे विकेट कीपर हो, चाहे वो हमारे बैट्समैन हो, चाहे वो हमारे ऑलराउंडर हो, चाहे वो हमारे बॉलर हो, आपको यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है। अब मेन चीज़ आता है कि कितनी संख्या में हम अपने प्लेयर्स को लें। पहली बात तो अगर हम बैट्समैन 4 से 5 ले रहे हैं या 5 से 6 ले रहे हैं, ऑलराउंडर 2 से 3 ले रहे हैं, बॉलर 1 से 2 ले रहे हैं या 3 ले रहे हैं, विकेट कीपर 1 से 2 ले रहे हैं, तो कैसे हम पहली बात तो कन्फर्म करें कि हमको कितने बैट्समैन रखने हैं, कितने ऑलराउंडर रखने हैं। तो दोस्तों ये पूरा डिपेंड करेगा आपके पिच की परफॉर्मेंस पे। अगर आपकी पिच की परफॉर्मेंस, दोस्तों जैसे कि पता है पिच बैटिंग, बॉलिंग या तो बैलेंस होती है, तो इन्हीं तीनों पिच की परफॉर्मेंस से आप ये डिफाइन करेंगे कि किस प्लेयर को अधिक कंसीडर करना है। अगर पिच बैटिंग है तो जाहिर सी बात है 5 से 6 बेस्ट ओपनर्स को आप लोग ले लीजिए यहाँ पे, ठीक है, जिनमें कैप्टन भी इंक्लूड हो, तो इसका तो काफ़ी बड़ा इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। अगर पिच हमारी बॉलिंग है तो जाहिर सी बात है ऑलराउंडर्स प्लस बॉलर्स में से कुछ स्पिनर, कुछ फास्ट बॉलर हमको ले लेने हैं और उनकी संख्याएं अधिक कर देनी है। क्यों? क्योंकि वो पिच बॉलिंग को सपोर्ट करती है और इसी स्ट्रेटजी के थ्रू यहाँ पे विनिंग होती है। आप लोग यही चीज़ नहीं कर पाते हैं, बट डायरेक्ट आप लोग क्या करते हैं, जब भी 1 से 2 घंटा बचता है आप लोग 1 से 2 घंटे पहले ड्रीम इलेवन ओपन करते हैं, जब आपको नोटिफिकेशन आता है, और आप लोग तुक्केबाजी वाली दोस्तों टीम बना देते हैं, और इसी तुक्केबाजी के चलते आपका लॉस हो जाता है। फैक्ट है, भले आपको बुरा लग रहा हो मेरी बातें, लेकिन ये फैक्ट है, ये रियलिटी है। तो इस चीज़ को आपको इग्नोर करना है। अगर विनिंग करनी है भाई, जीतना है, तो फिर टाइम देना पड़ेगा। अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो, किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो आपको रेडी होना पड़ेगा उस चीज़ के लिए, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको अपने रिज्यूम्स बनाने पड़ेंगे, आपको अपने यहाँ पे CV बनानी पड़ेगी। आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो भाई, पढ़ना पड़ेगा। तो सेम चीज़ इसमें भी है, इसमें भी तो आप लोग विनिंग करते हो। सोचिए एक बार रैंक बना जाए तो क्या कुछ नहीं होगा, सोचिए आप लोग। अगर आपके खाते में मैसेज आया कि 1 करोड़ रुपये डिपॉजिट हो गया, तो सोचिए कितना बड़ा अमाउंट होता है, क्या नहीं हो सकता उस 1 करोड़ से। तो भाई यूं ही नहीं मिल जाता, कुछ भी मेहनत करनी पड़ती है। एक कहावत बनी है ना, लर्न देन अर्न, तो पहले लर्न, पूरी स्किल लर्न करिए, फिर अर्न करिए, तो इस चीज़ का काफ़ी बड़ा एडवांटेज आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर मैं कुछ कॉमन सी पहली बात तो ट्रिक्स है जिसको आप लोग फॉलो कर सकते हैं। पहली ट्रिक क्या है, आप लोग कभी भी यहाँ पर हाई परफॉर्मिंग प्लेयर को अवॉइड मत करें, कभी भी, जो भी अच्छा खेलते हैं। जैसे कि कल मुंबई इंडियंस का मैच हुआ था उससे RCB से, तो आप लोगों ने देखा होगा मुंबई इंडियंस में सूर्य कुमार यादव बहुत बेहतरीन तरीके से परफॉर्मेंस इनकी तरफ से, सूर्य कुमार यादव की तरफ से गई है। RCB में देखा जाए तो ग्लेन मैक्सवेल प्लस यहाँ पे फाफ डू प्लेसिस कितनी अच्छी परफॉर्म देते हैं। तो अगर मान लीजिए इन दोनों का मैच चल रहा है, तो हमको कोशिश करनी है कि हम ऐसे प्लेयर्स को लें, क्योंकि इनके परफॉर्म करने के चांसेस ज़्यादा हैं, ये बैटिंग पिच पर धमाल मचा देते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे भी हमको पिच देख के ही काम करना है। तो इस चीज़ को जब आप लोग समझेंगे तो फिर आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पे विनिंग कर लेंगे, फिर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं देखने को मिलने वाली है। और अगर आप यही चीज़ें मिस्टेक कर देंगे, अवॉइड कर देंगे, तो फिर कुछ नहीं हो सकता है भाई, यहाँ पर कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो इस चीज़ को लेकर आपको पूरी तरीके से यहाँ पर ध्यान देना है। बाकी जैसे आप लोग यहाँ पे टेलीग्राम से हमारे जुड़ेंगे, हमारे चैनल से जुड़ेंगे, आपको जानकारी मिलती रहेगी, इंक्रीज़ होता रहेगा। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा, सब्सक्राइब करें, घंटी दबाएँ, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो।